फ्रेंड्स, अंजलि किचन कुक में आपका फिर से स्वागत है। आज मैं आपके लिए बनाने जा रही हूँ पालक मटर की सब्ज़ी। आप देख सकते हैं कि मैंने कितनी अच्छी पालक मटर की सब्ज़ी बनाई है। आप देख सकते हैं इतनी अच्छी पालक मटर की सब्ज़ी मैं आज आपको दिखाने वाली हूँ। तो चलिए देखते हैं वीडियो कैसे मैंने इसे बनाया है। मटर बनाने के लिए मैंने यहाँ पर देखिए पालक लिया और लगभग 200 ग्राम मैंने पालक लिया, जिसे मैंने अच्छे से इस तरह से धो लिया। आप देख सकते हैं, देखिए इसे मैंने लगभग 3 से 4 बार धो लिया था। और यहाँ पे मैंने 100 ग्राम मटर लिया था, जिसे मैंने निकाल लिया, जो निकालने के बाद इतना सा ये निकला है 100 ग्राम मटर। यहाँ पे मैंने टमाटर लिया हुआ है, लगभग मैंने 1 टमाटर लिया जिसे काट लिया है। 2 मैंने छोटी सी प्याज ली थी जिसे मैंने इस तरह से काट लिए। 1 मैंने हरी मिर्च ली हुई है। 8 से 10 मैंने लहसुन के लिए हुए हैं और 1 इंच मैंने अदरक लिया हुआ है। और यहाँ पर मैं आपको दिखाती हूँ, यहाँ पर मैंने आधा नींबू लिया था जिसका रस मैंने निकाल के रख लिया है। अब मैं आपको बताती हूँ, आगे हम कुछ मसाले भी यूज़ करेंगे, मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए यहाँ पे मैंने कुछ मसाले भी लिए हुए हैं, जैसे मैंने यहाँ पे 1 चम्मच नमक यूज़ करने वाली हूँ, 1/2 चम्मच मैं हल्दी यूज़ करने वाली हूँ, 1/4 चम्मच यहाँ पे मैं गरम मसाला यूज़ करूँगी, 1/2 चम्मच मैं लाल मिर्च यूज़ करने वाली हूँ, 1/4 चम्मच मैं गोलकी यूज़ करूँगी, 1 चम्मच यहाँ पर मैंने जीरा भी लिया हुआ है, और यहाँ पे मैंने धनिया पाउडर लिया हुआ है जो हम 1 चम्मच इसमें यूज़ करने वाले हैं। बर्तन लिया हुआ जिसमें मैंने पहले से पानी को डाल दिया हुआ है। अब मैं इसे गर्म कर रही हूँ। जब ये पानी गर्म हो जाएगा तब हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो हमने पालक लिया हुआ था यह पालक इसमें हम डाल देंगे इस तरह से, अच्छे से इसे पानी में डुबो देंगे और इसे 2 मिनट के लिए हम उबालेंगे। ध्यान रखना इसे हमें ज़्यादा नहीं उबालना है, ज़्यादा उबालने से पालक का जो सब्ज़ी हम जो बनाने वाले हैं ना, वह सब्ज़ी पूरी डार्क हो जाएगी, कलर अच्छा नहीं आएगा। इसलिए हमें क्या करना है, इसे सिर्फ 2 मिनट के लिए उबालना है। देखिए 2 मिनट हो गए हैं, हमारे पालक अच्छे से गल चुके हैं। अब मैं क्या करूँगी, इस छटनी की सहायता से इसे निकाल लूँगी इस तरह से। देखिए यहाँ पे मैंने एक जार लिया हुआ है मिक्सर ग्राइंडर वाला, इसमें मैं इसको डाल दूंगी। अब इसे हम क्या करेंगे, ठंडा होने के बाद इसे हम पीसेंगे, तब तक के लिए इसे रख रहे हैं और आगे की प्रोसेस करेंगे। देखिए यहाँ पे मैंने एक फ्राइंग पैन लिया हुआ है, इसमें मैं 4 चम्मच लगभग रिफाइंड तेल डालूंगी। यहाँ पर जो मैंने एक टमाटर लिया था और प्याज लिया था और इन सभी मसालों को हम डालेंगे। सबसे पहले मैं प्याज डालूंगी इसमें, प्याज को हम फ्राई करेंगे। देखिए हमारे प्याज ब्राउन कलर के हो चुके हैं। अब हम क्या करेंगे, इसमें टमाटर डालेंगे, टमाटर को भी हम फ्राई करेंगे। अब यहाँ पे जो मैंने अदरक लिया था वो भी मैं डाल रही हूँ, एक हरी मिर्च जो ली थी वो भी डाल रही हूँ और लहसुन भी डाल रही हूँ। इन सबको हम चलाएंगे 2 मिनट के लिए। देखिए मैंने इसे 2 मिनट के लिए फ्राई कर लिया, हमारे टमाटर गलने चालू हो गए हैं इस तरह से। आप चाहें तो इसे ढक के भी गला सकते हैं, मैंने इसे नहीं ढका है, मैं इसी तरह से गला रही हूँ। देखिए सारे टमाटर पक चुके हैं, सारे मसाले फ्राई हो चुके हैं। अब मैं क्या करूँगी, इसे बंद कर दूँगी गैस को, फ्लेम को, और इसे ठंडा करूँगी। देखिए हमारी ये मैंने इसे ठंडा कर लिया सभी मसाले, आप देख सकते हैं टमाटर कितना अच्छा गल गया अच्छे से। इसे हम ग्राइंडर जार में डाल के इस पालक के साथ ही इसे पीस लेंगे। और अगर आपको लगता है ना कि यह आपका गर्म है, अभी भी आपको जल्दी है, तो आप इसमें आइस क्यूब डाल के, 4-5 आइस क्यूब डाल के भी इसे पीस सकते हैं। देखिए मैंने फिर से वही फ्राइंग पैन लिया जो अभी मैंने यूज़ किया था। अब इसमें मैं क्या करूँगी, लगभग 1 चम्मच मैं इसमें रिफाइंड तेल डाल रही हूँ, इसे हम गर्म करेंगे। 1 चम्मच इसमें मैं बटर डालूँगी, 1 चम्मच। देखिए हमारा बटर मेल्ट होना चालू हो गया है, मैंने गैस को लो फ्लेम में रखा हुआ है, नहीं तो सारे मसाले जल जाएंगे। अब हम एक एक करके सारे मसाले डालेंगे। यहाँ पे मैं 1 चम्मच जीरा डाल रही हूँ। अब जीरा को पहले हम फ्राई करेंगे अच्छे से। देखिए हमारा जीरा फ्राई हो चुका है अच्छे से। अब इसमें हम 1/2 चम्मच मैं हल्दी डालूँगी, 1/2 चम्मच धनिया डाल रही हूँ, 1/4 चम्मच लाल मिर्च डालूंगी मैं इसमें। अब इसे हम चलाएंगे। देखिए हमारे मसाले फ्राई हो चुके हैं, इसमें मैं 1 चम्मच क्यूमिन पाउडर डाल रही हूँ, जैसे जीरा पाउडर बोलते हैं, वो डाल दूंगी। अब इसमें हम 1/4 चम्मच गोलकी डालेंगे, इसे भी चलाएंगे। इस तरह से लगातार हमें चलाते रहना है मसाले, नहीं तो सारे जल जाएंगे। आप देख सकते हैं हमारे मसाले काफ़ी अच्छे फ्राई हो चुके हैं। अब इसमें मैं यहाँ पे देखिए मैंने इसे अच्छे से पीस लिया हुआ है, मैंने पालक को और सारी ग्रेवी को अच्छे से पीस लिया। अब इसमें हम डाल देंगे
इसमें भी मैं हाफ चम्मच नमक डाल रही हूँ। आप अपने टेस्ट करने के बाद इसमें फिर हम नमक मिक्स कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए हमने जो मटर लिया था वो भी अब इसमें हम डाल देंगे। इसे चलाएंगे इस तरह से। अब सबसे लास्ट में हम इसमें गरम मसाला यूज़ करेंगे। लगभग 1/4 चम्मच इसमें मैं गरम मसाला डाल रही हूँ। देखिए हमारी सब्जी रेडी हो चुकी है। अब हमारा लास्ट प्रोसेस मैं आपको बताती हूँ। अब इसमें मैं देखिए यहाँ पे नींबू का रस जो मैंने निकाला था वो भी मैं डाल दूंगी इसमें। इसे चलाएंगे हम। अब हाफ कप लगभग इसमें मैं पानी डालूंगी। और 10 मिनट के लिए इसे हम अब ढक के बॉयल होने के लिए छोड़ देंगे। पालक मटर की सब्जी जो है रेडी हो चुकी है, बन चुकी है। पालक भी अच्छी से सीझ चुके हैं और मटर भी अच्छी से सीझ चुके हैं। आप देख सकते हैं, मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ। देखिए इस तरह से हमारी ये सब्जी रेडी हो चुकी है, काफ़ी परफेक्ट बनी है। अब इसमें हम क्या करेंगे, मैं घर की फ्रेश क्रीम इसमें डाल रही हूँ। आप चाहे तो मार्केट से ला के मार्केट वाली कुकिंग क्रीम भी डाल सकते हैं। ये देखिए अब हम क्या करेंगे इसमें, देखिए मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ पे मैंने चीज़ लिया हुआ है जिसके ऊपर से इस तरह से हम इसे डाल देंगे। और इसे फिर अच्छे से इस तरह से अब देख के समझ सकते होंगे कि देखिए कितनी अच्छी या बनी है हमारी पालक मटर की सब्जी। अब हम इसे एक बर्तन में सर्व करेंगे। हमारी पालक मटर की सब्जी देखिए रेडी हो चुकी है, काफ़ी अच्छी बनी है। अगर आपको मेरा पालक मटर वाला वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपको यह रेसिपी कैसी लगी। तो मेरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।